अस्सलाम वालेकुम, दिस इज यूनिट 5.2 टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव प्रेजेंटेशंस। नाउ टू गिव प्रेजेंटेशन वी नीड टू प्लान वेरी केयरफुली। प्लानिंग प्रेजेंटेशन देने से पहले का अमल है। प्रेजेंटेशन में मुझे क्या बताना है और किस तरह से बताना है। अगर प्लानिंग बहुत अच्छी होगी तभी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी, इसलिए प्लानिंग पर बहुत अच्छा खासा टाइम और एफर्ट लगाना चाहिए। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर है बेसिकली, एक किसी इंट्रोडक्शन का, किसी भी प्रेजेंटेशन का। उसका फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन, दूसरा है मेन बॉडी पार्ट जिसमें आप असल में जो मेजर मटेरियल है वो बताएंगे, फिर कंक्लूड करेंगे और आखिर में क्वेश्चन आंसर होगा। इन सबों को प्लान करना जरूरी है। अगर इनकी प्लान अच्छी होगी तो ही प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। अब हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है प्रेजेंटेशन का, क्योंकि इसी में आप ऑडियंस के इंट्रोडक्शन ऑडियंस की अटेंशन लेते हैं, उनको बताते हैं कि आप प्रेजेंटेशन में क्या देने वाले हैं और ऑडियंस इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इसमें आप बताते हैं कि अब आप क्या क्या बताएंगे ताकि ऑडियंस उस सीक्वेंस के हिसाब से अटेंटिव रहे। तो बेसिकली हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इंट्रोडक्शन का वो ये है, AIDA, आयडा, ए फॉर अटेंशन, आई फॉर इंटरेस्ट, डी फॉर डिजायर एंड ए फॉर एक्शन। तो हमें ऑडियंस की अटेंशन गेन करनी है, उनके इंटरेस्ट को अट्रैक्ट करना है, उनके अंदर एक डिजायर क्रिएट करनी है कि वो मजीद अटेंटिव होकर सुने कि आगे क्या आने वाला है, और एक्शन स्टिमुलेट करना है कि वो ये देख सकें कि यार इस प्रेजेंटेशन से जो मालूमात आ रही है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे लिए फायदेमंद। जब हम स्टार्ट करते हैं और एक प्रेजेंटेशन को तो ऑडियंस को हम ग्रीट करते हैं, सलाम करना, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन कह सकते हैं, वेलकम टू माय प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, या इट इज़ वेरी नाइस टू सी ऑल ऑफ यू हियर टुडे समथिंग लाइक दैट। या एक तरीका होता है क्या हम स्टार्ट कर लें, कैन वी गेट स्टार्टेड, या अपने मुतालिक बताना, लेट मी से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट माय बैकग्राउंड। तो हम कुछ पॉइंट्स स्टार्ट, उनको पता चल जाए कि अब इस मोमेंट पर प्रेजेंटेशन फॉर्मली स्टार्ट हो रही है, तो हम उनकी अटेंशन को हासिल करना शुरू करते हैं। इफेक्टिव ओपनिंग, अब ओपनिंग के बहुत सारे तरीके हैं कि हम किस तरह से अपनी ओपनिंग को इफेक्टिव कर सकते हैं। जितनी इफेक्टिव ओपनिंग होगी उतना शुरू से हमें इंश्योर कर लेंगे कि ऑडियंस की अटेंशन है। हम कोई प्रॉब्लम उनको शुरू में दे सकते हैं जिसके वो पहले थोड़ा सा गौर करें तो अटेंशन उस पर लग गई। हम कोई बहुत ही अमेजिंग किस्म की फैक्ट बता सकते हैं, उनको स्टैटिस्टिक्स बता सकते हैं, कोई अपनी पर्सनल कोई स्टोरी बता सकते जो इंटरेस्टिंग हो, कुछ साइटेशन किसी कोटेशन वगैरह को हम कर सकते हैं, बता सकते हैं, फनी रिमार्क्स। लेकिन ये ज़रा सा ट्रिकी है क्योंकि जो ह्यूमर है जो कि वो हर शख्स के लिए डिफरेंट होता है, किसी को अच्छा समझते नहीं समझते। ये करने के लिए हमें एक्सपर्ट होना चाहिए इन अ सेंस कि हम ऑडियंस को समझते हों और हम बताते हों और वो ऐसा जोक शेयर करें जिससे ऑडियंस इरीटेट ना हो सके। और क्या क्या पॉसिबल इंट्रोडक्शन के तरीके स्कीम्स हो सकते हैं? आप एक सिंपल इंट्रोडक्शन की कर्टेसीज कराएं, जो हमने पहले बात की, अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, अपनी पर्पस, अपने टॉक का पर्पस उनको बताएं, ठीक है ना, और हम जो है आगे क्या क्या बताने वाले हैं, कैसे कैसे हमारी प्रेजेंटेशन चलेगी, वो एक रूट बता दें उसका। या अगर हम चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन कैसे चलनी है, उसमें ऑडियंस कैसे पार्टिसिपेट करना था, हम रूल्स बता दें कि जी इसके रूल्स ये हैं कि आप कब क्वेश्चन कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब अगर हमारी प्रेजेंटेशन कई पार्ट है जैसे ग्रुप में होते हैं तो उनको हमें इस तरह से जोड़ना पड़ेगा या डिफरेंट सेगमेंट्स को कवर करके ऐसे जोड़ना पड़ेगा कि वो तसलसल उसके अंदर नजर आए और ऑडियंस के लिए वो रेलेवेंट भी होना चाहिए। अब हमें अपनी टॉक को एंड करना है,
का कई तरीकेकार हैं। हम ऐसा नहीं कि बस प्रेजेंटेशन खत्म, एंड हो गया, खत्म करके चल दिए। उसको एंड एंड में थोड़ा सा हल्का सा टाइम ले। फॉर एग्जाम्पल, हम जो भी अपने प्रेजेंटेशन के डिफरेंट फैक्ट्स हैं उनको समराइज करके बता दें, या कोई रिकमेंडेशन देनी है वो देते हैं, कोई प्रपोजल देनी है वो देते हैं। उसके बाद ऑडियंस को शुक्रिया अदा करें और उनसे क्वेश्चन को इनवाइट करें। तो हमारा जो कंक्लूजन होना चाहिए जस्ट एंड से पहले, उसमें हमें हमारा जो टेक्स्ट, यानी कि जो पूरे की पूरी हम जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसमें, उसको हम कंक्लूड कैसे कर रहे हैं, क्या होना चाहिए उसके अंदर। तो हमें टेक्स्ट को सिंप्लीफाई करना होता है। सिंपल जितना टेक्स्ट हो, ऑडियंस को सामने जो भी टेक्स्ट आ रहा हो वो अगर ऐसे लैंग्वेज में होगी कि उसको समझ ना सके या उसको बड़ा ज़्यादा गौर करना पड़े तो ऑडियंस शायद अटेंशन लूज कर जाएगी, वो उधर ही रहेगी, जो आप बोल रहे हैं उसको आप वो सुन नहीं पाएगी। हमें पॉइंट्स पे करना चाहिए और सेंट्रल आइडियाज बताना चाहिए। हम बहुत डिटेल्स में नहीं जा सकते, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में एब्रप्टली ना जाएं, बल्कि हम ट्रांजिट करें, उनको आपस में रिलेट करें। स्टैटिस्टिक्स है, कुछ लॉजिक्स है, कुछ छोटी मोटी कोई स्टोरीज है, कहानियां, ये बता करके हम अपने जो भी प्रेजेंटेशन के मैसेज को सपोर्ट कर सकते हैं। विजुअल्स यूज करना चाहिए, पिक्चर्स हो गए, डायग्राम्स हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लो डायग्राम्स, चार्ट हो गए। टाइम का ख्याल करना चाहिए कि जो हमें टाइम मिला है, हम ऐसा ना हो कि टाइम हम ज़्यादा ले लें और आखिर में हम बड़ा अब्रप्टली ख़त्म करना पड़े, या ऐसा ना हो कि हम दूसरों टाइम टाइम खा जाए, बहुत लंबा करते हैं। और प्रेजेंटेशन से पहले उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए अच्छी खासी, ताकि हमारी प्रेजेंटेशन क्रिस्प हो। अगर अकेला देना तो अकेला करें, अगर ग्रुप में है तो ग्रुप में भी प्रेजेंटेशन की जा सके। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।